ये आकाशवाणी है, अब आप देवकी नंदन पांडे से समाचार सुनिए। ये आवाज के नाम कोई भूल सकता है क्या? इसी तरह एक और, ये रेडियो सिलोन है, बिना का गीतमाला, और उसके बाद हर पहली तारीख को एक गाना आता था, खुश है जमाना आज पहली तारीख है, और ये रेडियो पे ही आता था। तो रेडियो से मेरा जुड़ाव हुआ 1982 में पहली बार, 18 साल मेरी उम्र थी और युवाणी कार्यक्रम में मैं पहली बार गया था। 30 रुपये एक बार की बुकिंग के मिला करते थे और महीने में मैक्सिमम 6 बुकिंग हुआ करती थी, यानी 180 रुपये। उसके बाद रोलिंग माइक्रोफोन, जिसमें हम माइक्रोफोन लेकर बाहर जाते थे, लोगों से बात करते थे। फिर आकाशवाणी से मेरा जुड़ाव इस रूप में हुआ कि मैंने वहाँ नाटकों में भी हिस्सेदारी की, समाचार भी पढ़े। फिर एक बार फिर मुझे याद आता है, ये आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है, अब आप विजय विद्रोही से समाचार सुनिए। खुद को ही आवाज सुनना और खुद को ही ये सुनाना बड़ा अच्छा लगता था। अब आकाशवाणी ने, जब दूरदर्शन नहीं होता था, तो आकाशवाणी ने बहुत से कलाकार तैयार किए, खासतौर से संगीत के क्षेत्र में। आप जितने भी बड़े संगीतकार हैं, उनकी इनिशियल ग्रेडिंग आकाशवाणी में ही होती थी, दूरदर्शन में तो अभी तक भी नहीं होती। आकाशवाणी ही ग्रेडिंग देता है, A+ है, A है, B+ है, B है, इस तरह का। इसी तरह क्रिकेट के कमेंटेटर्स की भी जो इनिशियल ग्रेडिंग आकाशवाणी ही करता रहा है बहुत लंबे समय तक, या हर्षा भोगले हुए या दो दूसरे कमेंटेटर हुए जिनको आज की तारीख में आप सुनते हैं, सब रेडियो की उपज है। सुनील दत्त रेडियो की उपज है। मैं 1983 की बात कर रहा हूं, मैं मुंबई आकाशवाणी केंद्र गया था, मैं मर्चेंटी में गया था। तो एक दिन छुट्टी वाले दिन सैटरडे को मैं वहां चला गया, तो वहां एक प्रोड्यूसर मिले। उन प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि ये देखिए, ये सामने जो टेबल देख रहे हैं ना आप, यहां पर सुनील दत्त साहब बैठा करते थे, और आकाशवाणी से ही उन्होंने शुरुआत की थी, और उसके बाद वो फिल्मों में गए, और किस तरह वो छा गए, और कांग्रेस के वो सांसद भी बने, वो लंबा इतिहास है। और शायद अमिताभ बच्चन भी रेडियो की आकाशवाणी की देन है। आप कहेंगे कैसे? वो ऐसे कि कलकत्ता में थे, ऑडिशन में गए थे, और रेडियो वालों ने उनकी आवाज रिजेक्ट कर दी थी, तो उन्होंने नए सिरे से संकल्प लिया और फिर मुंबई चले आए। उस समय बॉम्बे हुआ करता था, 7 हिंदुस्तानी फिल्म से शुरुआत की और आज हर हिंदुस्तानी के दिल में छाए हुए हैं। तो रेडियो, राजनीति में रेडियो की अलग भूमिका रही है। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले रेडियो का इस्तेमाल करना सीखा था, सूचना और प्रसारण मंत्री वो बनी थी, और तभी से उनको लग गया था कि रेडियो के जरिए कैसे जनता तक, आवाम तक पहुंचा जा सकता है। और चुनाव आज की तारीख में जैसे लोग सोशल मीडिया के जरिए जीतते हैं, दूरदर्शन या न्यूज़ चैनल्स के जरिए जीतते हैं, एक वक्त था जब आकाशवाणी के जरिए जीता जाता था। एक और आकाशवाणी की विशेषता है कि वहाँ अगर आकाशवाणी में उच्चारण साफ हो जाता है, मैं गया था, मेरे में पंजाबी टच आता था, पंजाबी लहजा आता था, तो मार मार के ठीक किया गया, पंजाबी लहजा चला गया, उच्चारण साफ हुआ। दूसरा, नुक्ते सही लगने शुरू हुए, जिला नहीं होता, जिला होता है, जिला, जा, 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 नुक्ता लगाइए। फल होता है, फल नहीं होता, फूल होता है, फूल नहीं होता, फूल यानी अप्रैल फूल, मूर्ख हो क्या? ऐसे क्या कि हमारे प्रोड्यूसर थे, वो डांटा करते थे, फूल हो क्या? फूल होता है, हक नहीं होता, हक, खून, खा, यहां से निकालिए। तो ये उच्चारण और शब्दों की अनुशासन, समय का अनुशासन, बहुत सारी चीजें आकाशवाणी से सीखी मैंने, और जो मेरी काम आई, जब मैं दूरदर्शन में भी मैंने काम किया तो वहां ये सारी चीजें काम आई, उसके बाद आज तक मैं काम किया तो भी ये सारी चीजें काम आई। कुल मिलाकर मैं मानकर चलता हूं कि जो मेरा रेडियो से जुड़ाव रहा, वो आगे बढ़ने की दिशा में एक पहला कदम था, और ये आकाशवाणी है, ये शब्द जब तक दुनिया है तब तक ये शब्द गूंजता रहेगा, और जब तक मैं हूं ये शब्द मेरे कानों में गूंजता रहेगा और मिठास घोलता रहेगा। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।